आज जब अपने देश को धर्म और जहरीले बयानों जैसे मुद्दों से फुर्सत नहीं, एक ऐसी खबर जान लीजिए जो इफेक्ट तो सबको करती है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जैसे पत्रकारों के अलावा आपको ये जानकारी और कोई नहीं देगा। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब रसोई गैस सिलेंडर 1053 रुपए में मिलेगा। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत हो गई है 1052 रुपए। और अपने राज्य और शहर की कीमत आप खुद जानते हैं। फल, सब्जियों और जरूरी चीजों के दाम पहले ही आसमान पर हैं, और अब ये खबर जाहिर है सुनने में कितनी भी बुरी लगे, लेकिन हमें एहसास कराती है कि हालात पर एक आम आदमी का कोई जोर नहीं चलता। दोस्तों, महंगाई के बाद इस बीच एक और करंट की खबर तब आई जब देश में बेरोजगारी की ताजा आंकड़े आ गए। देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80% हो गई है। पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार चला गया, इसलिए शहरों के मुकाबले गांव में बेकारी और ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में रोजगार में कमी से गांव में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पर पहुंच गई, जो मई में 7.30% थी। शहरों में बेरोजगारी दर 7.3% है। यानी रोजगार जा रहा है और महंगाई आ रही है। दोस्तों, ये हाल तब है जब आज कहीं किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं और खुद सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। तो जब काम धंधे चालू है तो ये रोजगार कौन निगल रहा है? देश के दो सबसे जरूरी मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी, जिससे सरकारें किसी की भी हो डरती रही हैं। क्यों? क्योंकि इन दो मुद्दों पर इससे पहले हमने सरकारें गिरती तक देखी हैं, लेकिन आज ना तो बेहिसाब बढ़ती महंगाई और ना ही बेरोजगारी कहीं डिस्कशन का मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को भी इससे अब फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शायद सरकार को भी ये मुद्दे अब डराते नहीं। क्या आपको भी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी परेशान करती है? आपके शहर में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कहां तक पहुंच गए हैं? आप किस हद तक बेरोजगारी से दुखी हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी करें।